हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी डील विद अ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड अ स्क्वायर हमें दिया हुआ है ए बी सी डी, और जिसका यूनिट लेंथ दिया हुआ है, वन यूनिट लेंथ हमें दिया हुआ है, जिसमें क्वाड्रेंट सर्कल आ रहा है और फिर एक यहाँ से छोटा सा और क्वाड्रेंट दिया हुआ है। और अब एक और सर्कल बना जो इन दोनों पार्ट्स को और इस साइड को टच कर रहा है, एंड वी शुड हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। हमें इस सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है। तो उस सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करने के लिए देखते हैं बेसिक अप्रोच क्या रहनी चाहिए। सबसे पहले हम इस सर्कल का सेंटर ले लेंगे एच कोमा के, सर्कल का सेंटर एच कोमा के, एंड रेडियस ले लो इसका आर। सेंटर हमने ले लिया इसका एच कोमा के, एंड रेडियस को लिया हमने स्मॉल आर। अब आगे देखिए, इस ए को उसके सेंटर से मिला दीजिए, से को उसके, ए को उसके सेंटर से हमने मिला दिया। सेंटर का नेम ले लेते हैं लेट पी, सेंटर का नेम ले लिया पी। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जब हमें कोई फिगर दे रखा है तो उसको हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लेना है। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लेने का मतलब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लेंगे 0 0, बी ले लो 1 0, सी आएगा आपका 1 1, और डी जो है वो आपका आ जाएगा 0 1। अब देखिए क्या होगा, जो एपी डिस्टेंस है, एपी डिस्टेंस वो बराबर आएगा हमारे पास किसके, 1 तो ये हो गया इसका रेडियस, प्लस आर के बराबर आ गया। और वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से, क्योंकि देखिए अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो सेंटर के कोऑर्डिनेट या रेडियस फाइंड आउट करना है तो बेसिकली हमें चाहिए रिलेशन, और रिलेशन लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ पे लॉजिक ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं लगा देता हूँ ए पी। अब मेरे पास में देखिए ए पी, ए पी जो है वो बराबर आएगा किसके, एक तो ये डिस्टेंस आ गया, इस सर्कल का रेडियस 1 आ गया, और इसका रेडियस कितना है आर। सो ए पी इक्वल्स टू 1 + r। बट ए पी को निकालेंगे बाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला से, एच स्क्वायर प्लस में आ गया के स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1 + r आ गया। साथ में स्क्वायरिंग कर दीजिए, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + r का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन के लिए देखो, ये सर्कल इसको टच कर रहा है तो मतलब ये जो डिस्टेंस है वो बराबर किसके आएगा। इस वाले डिस्टेंस की मैं बात करूँ, ये डिस्टेंस आपका यहाँ से यहाँ तक h आ रहा है, पूरा कितना था 1 था, तो ये कितना रहेगा यहाँ से यहाँ तक 1 - h, बट विच इज़ इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कल हो गया, किसके बराबर हो गया रेडियस ऑफ सर्कल। अगर किसी को परेशानी आ रही है तो पॉज करके इसको समझ लेना एक बार। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेडियस r इज इक्वल्स टू 1 - h, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। थर्ड के लिए मैं क्या करूँगा, इस c पॉइंट को मैंने p के साथ मिला दिया, और जो पी सी डिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करेंगे। अब पी सी जो डिस्टेंस है वो क्या आएगा देखते हैं, इस वाले सर्कल ये डायगोनल जो आ रहा है बेटा, इसका जो लेंथ देखिए वो हमारे पास में √2 आएगा, और ये 1 है, तो छोटे वाले सर्कल जो ये पार्ट जो दे रखा है क्वाड्रेंट, इसका जो रेडियस है वो कितना आ गया √2 - 1 आ गया, कितना आ गया √2 - 1। तो ये डिस्टेंस आपके पास में आ रहा है √2 - 1, प्लस में हो गया आर। सो √2 - 1 प्लस आर एंड विल बी इक्वल्स टू इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आ रहा है। डिस्टेंस क्या आ गया, h - 1 का होल स्क्वायर प्लस आएगा k - 1 का होल स्क्वायर, h - 1 का होल स्क्वायर प्लस आ गया k - 1 का होल स्क्वायर एंड इट्स ए स्क्वायर रूट। तो ये डिस्टेंस आ गया। इसको फिर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, √2 - 1 प्लस आर इज इक्वल्स टू, साथ में स्क्वायरिंग कर दो इसका, इक्वल्स टू आ गया h - 1 का होल स्क्वायर प्लस आ गया k - 1 एंड इट्स होल स्क्वायर, एंड से इक्वेशन नंबर 3। अब तीन वेरिएबल है हमारे पास में और तीन इक्वेशन दे रखी है। बेसिकली आपका टारगेट क्या है, r का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना है। r फाइंड आउट करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से h की वैल्यू निकाल के यहाँ सब्सटीट्यूट करूँगा, k भी मेरे पास में r के टर्म में आएगा, h और k दोनों को यहाँ सब्सटीट्यूट करूँगा, तो कंप्लीट जो रिलेशन है वो r के टर्म में आएगा और r का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। यह है कि इसका ज्योमेट्रिकल अप्रोच। अब देखते हैं हम r का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से h का वैल्यू अपने पास आया 1 - r,
एच का वैल्यू वन माइनस आर, वो हम पुट कर देंगे यहाँ पे, वन माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आ गया के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया वन प्लस आर एंड इट्स होल स्क्वायर। के स्क्वायर का वैल्यू कितना मिलेगा, इस वाले फैक्टर को इधर ले आओ, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज़ कर लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी आ गई, ए प्लस बी करेंगे तो टू हो गया, और ए माइनस बी करोगे तो आएगा टू आर, और के का वैल्यू आ गया अपने पास में टू रूट आर आ गया के का वैल्यू। क्लियर होगा, यहाँ प्रॉपर्टी यूज करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जैसे प्रॉपर्टी लगाया तो के का वैल्यू अपने पास में टू रूट आर आ गया। अब देखिए एच और के भी हमने आर के टर्म्स में निकाली है, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, टोटल इक्वेशन आर में आना चाहिए। सो रूट टू माइनस वन प्लस आर एंड इट्स होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एच, एच माइनस वन, एच माइनस वन का वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस आर आएगा, यहाँ माइनस आर पुट कर दीजिए, प्लस आ गया के, वो आ रहा है टू रूट आर माइनस वन एंड इट्स होल स्क्वायर। अब इस इक्वेशन का हम स्क्वायरिंग ओपन कर देंगे और आर का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इसका स्क्वायर ओपन कर दीजिए, तीन टर्म का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस का टू ए बी आ गया मीन्स टू रूट टू, माइनस का टू आर एंड प्लस में कितना आया टू रूट टू आर, राइट हैंड साइड में आर स्क्वायर आ गया, प्लस आ गया फोर आर प्लस वन, माइनस में आ गया फोर रूट आर, माइनस में आ गया फोर रूट आर। अब जो जो टर्म्स आपके कैंसिल आउट हो रही है उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो गया, और देखते हैं कौन कौन सा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी सभी टर्म्स को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, जब लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये आ गया थ्री माइनस का टू रूट टू माइनस टू आर प्लस टू रूट टू आर माइनस का फोर आर माइनस वन प्लस में आ गया फोर रूट आर एंड इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसके बाद देखिए बेटा क्या करना है, हमें इनको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई का मतलब थ्री माइनस वन आपके पास में कितना बचा टू, और ये वाली टर्म्स कितनी है माइनस का टू रूट टू, इन दोनों में से क्या करोगे आर कॉमन ले लीजिएगा, आर कॉमन लेते टू रूट टू माइनस का टू आ गया, और माइनस का कितना है फोर आर प्लस आ गया फोर रूट आर इज इक्वल्स टू ज़ीरो, टू माइनस में टू रूट टू और आर फर्दर यहाँ से कॉमन लेंगे तो यह आ गया टू रूट टू माइनस का टू माइनस का फोर प्लस आ गया फोर रूट आर एंड इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये बना हमारे पास में इक्वेशन, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग रूट आर को ले लेंगे, टी सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, तो आर का वैल्यू कितना मिला टी स्क्वायर मिला, इक्वेशन क्या बन गया टी स्क्वायर इन ब्रैकेट में आ गया टू रूट टू माइनस का सिक्स प्लस में आ गया फोर टी और प्लस आ गया टू माइनस में टू रूट टू एंड इज इक्वल्स टू ज़ीरो, टू यहाँ से कॉमन लेके ज़ीरो के डिवाइड में सब्सटीट्यूट कर दीजिए। सो टी स्क्वायर रूट टू माइनस थ्री प्लस आ गया टू टी प्लस आ गया वन माइनस में रूट टी रूट टू एंड इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ से टी का वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं जो टेंथ में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, तो टी का वैल्यू आ गया माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस फोर ए रूट टू माइनस थ्री इंटू आ गया सी, वन माइनस रूट टू डिवाइडेड बाय आ गया अपने पास में टू ए रूट टू माइनस में थ्री, बट टी का वैल्यू हमारे पास में देखिए। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या दे देगा आर दे देगा। सो आर की वैल्यू यहां से आप अब फाइंड आउट कर सकते हो, बट नाउ स्क्वायरिंग, जैसे हम स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ टी स्क्वायर आया, टी स्क्वायर का वैल्यू आर आ गया, और ये फैक्टर क्या बन रहा है, फैक्टर हमारे पास में आ गया माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे आ गया वन, यहाँ इनकी प्रोडक्ट कर दीजिए रूट टू माइनस का टू माइनस थ्री प्लस आ गया थ्री रूट टू डिवाइडेड बाय रूट टू माइनस थ्री एंड इट्स होल स्क्वायर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर दीजिए। अब यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया आपके पास में माइनस फाइव, माइनस फाइव
और प्लस 5 इट मीन्स 6 हो गया, माइनस का रूट 2, माइनस का 3 रूट 2, डिवाइडेड बाय कितना आया, रूट 3, रूट 2 माइनस में, ये था रूट 2 माइनस में 3। अब इसका स्क्वायर ओपन कर दीजिए और उसका रेडियस आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम उसकी रेडियस फाइंड आउट करेंगे। अब आगे आप चाहते हो तो आप इसका फर्दर भी कैलकुलेशन पार्ट सिंप्लीफाई कर सकते हो। फर्दर अगर सिंप्लीफाई करना हो तो आर इज इक्वल्स आ गया माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये आ गया 6 माइनस में 4 रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 2 माइनस में 3 एंड इट्स होल स्क्वायर। एक बार पॉजिटिव साइन ले लो, एक बार नेगेटिव साइन ले लो। जब मैं पॉजिटिव साइन लूंगा तो आर इज इक्वल्स आ गया माइनस 1 प्लस, यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस में 4 रूट 2 डिवाइडेड में आ रहा है रूट 2 माइनस में 3 एंड इट्स होल स्क्वायर। अब आप ऊपर वाले टर्म का स्क्वायर ओपन कर दीजिए, फिर आगे इसको सिंप्लीफाई कर दो तो वो फाइनली आपको आर का वैल्यू दे देगा। वैसे अब इस टर्म का अगर हम देख लेते हैं कि अगर परफेक्ट स्क्वायर निकल जाए तो बहुत ही आसान टास्क है। इसको परफेक्ट स्क्वायर अगर निकालने की कोशिश करें, वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी हुआ है कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई फैक्टर आ रहा है तो वो अंदर वाला परफेक्ट स्क्वायर जरूर बनता है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनने का मतलब ये फैक्टर हो गया 2ab, 2ab इज इक्वल्स टू 4√2, ab का वैल्यू आ गया अपने पास में 2√2। क्लियर। अब इसको ऐसे दो फैक्टर करो जिन दोनों का स्क्वायरिंग का जो सम है वो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और वो परफेक्टली बन रहा है। ये a ले लिया और ये वाला फैक्टर b ले लिया। अब a और b आ रहा है, दोनों का स्क्वायरिंग का सम देखिए 6 बन रहा है। तो r इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस, इस रूट के अंदर वाली टर्म को मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 2 माइनस 3। ये कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या, आर इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 2 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 2 माइनस 3 एंड इट्स होल स्क्वायर। कितना छोटा हो गया, देखिए आर इज इक्वल्स टू, ये देगा अब आपको माइनस 1, इट मीन्स ये आ गया 1 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 2 माइनस 3 एंड इट्स होल स्क्वायर। अब इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर दीजिए और ये आपका रेडियस आ जाएगा स्मॉलर सर्कल का। ठीक है, तो इस तरीके से अटेम्प्ट करना है।